What is up guys, welcome back to my channel and thank you for supporting and subscribing my channel. Seriously, काफी subscriber हो चुके हैं and thank you for supporting. I'm really thanks. एंड इन इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम मतलब कंपोजिटिंग करेंगे. हमने जो अपना फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में जो हमने चीज़ें क्रिएट की और बनाई उन सबको हम कंपोजिटिंग करेंगे एंड उन सबको एनिमेट करेंगे. ठीक है, तो कंपोजिशन और एनिमेशन इस वीडियो में मैं आपको डिले करने वाला हूँ. मैं किस तरीके से एनिमेशन किया और किस तरीके से हमने चीज़ों को एक साथ कंपोज किया. ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो. मैं वहाँ पर अपने सारे अपडेट देता रहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ एंड कौन सा ट्यूटोरियल आने वाला है. एंड वैसे आल्सो हम फिल्म में एक शॉर्ट फिल्म पर वर्क कर रहे हैं. आपने आई होप आपने मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म देख ली होगी. मिशन ए चैनल में ही मिल जाएगी, चैनल में अवेलेबल है. एंड देन मेरी जो फर्स्ट सेकंड शॉर्ट फिल्म पर हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने चलो थोड़ा सा रिवील कर देता हूँ, मैंने थैनोस को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है. एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ. ठीक है, सो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मज़े वाली चीज़ें और इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें भी वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी डेली लाइफ में. सो इस ट्यूटोरियल को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सब कुछ यहाँ पे जितना भी हमने मटेरियल बनाया तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे ला कर रख लिया. एक साथ सब चीज़ कंपोजिटिंग हमने कर ली. जैसे हमें इमेज चाहिए थी और जो हमने 3D बनाया था, एनिमेशन पार्ट बनाया था, वो सब आप समझ गए होंगे. मेरी फर्स्ट वीडियो थी एंड देन उसके वो सॉरी फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था. एंड देन सेकेंड पार्ट में मैं आपको अभी ये बताया, मैंने सेबर की पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैंने कैसे बनाया था वो आपको मैंने बता दिया. एंड देन प्लस एनिमेशन आपको पता है, सब कुछ मैंने बता दिया. एंड देन अब यहाँ पर जो टैग है वो टैग मैंने किस तरीके से बनाया, वो जस्ट एक इमेज है खाली. ठीक है, और ये इमेज आपको ऐसे गूगल पे मिल जाएगी जो कि मैंने यहाँ पे इस टाइप से गूगल से उठा रखी थी. ठीक है, एंड यहाँ पर जो है इस टैग का रेड कलर है तो मैंने इसको ब्लैक कैसे किया, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है. अगर मैं इस टैग को ब्लैक करना चाहता सॉरी कलर चेंज करना चाहता हूँ टैग का, तो या फिर किसी भी इमेज का, वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट यू हैव, तो जस्ट यहाँ पर जस्ट मैं ड्रैग करके डाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैंने किस तरीके से ये किया. तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट होता है चेंज टू कलर नाम का. ठीक है, यहाँ पे चेंज टू कलर का नेम का होता है. तो यहाँ पे मैं इसको फ्रॉम पे दे दूँगा रेड कलर, टू मैं दे दूँगा वो कलर जो मैं चाहता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लू चाहता हूँ, ब्लैक चाहता हूँ, तो यहाँ से ये सारे कलर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चेंज टू कलर हमारा इफ़ेक्ट कलर चेंज करने में हेल्प करता है. आप इसको कोई भी कलर ले सकते हैं. ठीक है, बट मैंने इसमें दूसरा तरीका आजमाया था क्योंकि ब्लैक कलर नहीं कर पाता ये. तो यहाँ पे एक टिंट नाम का इफ़ेक्ट होता है. टिंट इफेक्ट हमारा क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट बना देता है इमेज को. ठीक है, और इसको आप दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हो. तो मतलब ये प्रॉपर पूरी इमेज पर काम करता है, पर्टिकुलर एक कलर पर यूज़ नहीं करता है काम. ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कलर ब्लैक किया था. एंड यहाँ पर फिर मैं अब हम बताते हैं, मैंने यहाँ पर जो एवरी वीक जो इतना उभरा हुआ जो ऊपर को फील हो रहा है कैसे किया था. ठीक है, तो जस्ट मैं सबसे पहले एक सॉलिड बना लेता हूँ उसके पीछे ग्रे कलर का, ताकि आपको स्टोरी समझ आए. एंड देन जस्ट मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए था. तो इस तरीके से वहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का लिखा हुआ था. एंड देन इसके बाद वहाँ पर मैंने इस ब्लैक एंड वाइट ऐसे रेड एंड वाइट कलर में लिखा हुआ था. एंड देन मैंने एक लाइट कलर फॉन्ट यूज़ किया, वो लाइट फॉन्ट यूज़ किया जो मोनस्टोरेट रेगुलर है. एंड देन इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे बेवल अल्फा. ठीक है, तो बेवल अल्फा आपको सबसे यहाँ पे मिल जाएगा. आप बेवल अल्फा डालोगे, आपने ये फोटोशॉप के अंदर अक्सर यूज़ किया होगा. तो जस्ट अब ये हमको एक डेप्थ देने के लिए, अब अभी से फील हो रहा है वैसे तो, मैं अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हो लाइटिंग की. ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी विद डैट. सो मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से अपना वो बढ़ा सकते हो. फिर मैंने क्या करा इसके पीछे, मैंने इसके बाद एक ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दिया इसके पीछे जो कि इसको इन्हेंस बना रहा था. ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको किया. फिर मैंने एक और किया और उसकी जो वैल्यू की जो डिस्टेंस थी वो मैंने 10 कर दी. ठीक है, तो इसको थोड़ा दे दिया. एंड देन इसका फैदर मैंने इंक्रीज़ कर दिया 20% अराउंड, तो एक ऐसा उभरा हुआ ऊपर को उठा हुआ ये लग रहा था. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया. देन अभी यहाँ पर नंबर आता है कि यहाँ पर ये सब
टोटली बन चुका है, बट अभी जो हमारे सब्जेक्ट है, जो राजीव मेहता सर है, उनकी जो इमेज पे जो एक, क्योंकि लाइट है चारों तरफ इमेज के अंदर, तो अब कंपोजिटिंग में ये रोल तो है कि ना लाइट आ रही है तो सब्जेक्ट के ऊपर भी लाइट आनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इमेज है ठीक है, हमारी इमेज है ये वाली। तो हमारे पास इमेज थी तो हम क्या करेंगे अभी, इस इमेज की कॉपी बना लेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसका एक मास्क बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मास्क के लिए हम पेन टूल ले लेंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल होता है, तो यहाँ पर ये होता है, एक्चुअल में ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऊपर वाला बटन होता है टैब के जस्ट ऊपर वाला जो की होती है, हम उसकी हेल्प से इसको, जो हमारा जो पैनल का जो एरिया है वो बड़ा कर सकते हैं किसी भी पैनल को, ठीक है। तो ये वाला, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो उसके अंदर F प्रेस करते हैं, F से पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है। अगर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं किसी पैनल को, तो हम इसके ऊपर, मेरे को की का नाम याद नहीं है, तो जो टैब के ऊपर वाली की होती है उस की से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड नाउ, और मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल से जस्ट मैं इसको यहाँ से एक रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूँ एक इफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल और ईजी कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तरीके बहुत सारे हैं बनाने की चीज़ें, बट बिकॉज़ ये एक जस्ट इमेज है तो कोई वो तो है नहीं, मतलब मोशन में वीडियो क्लिप जिसमें हमें प्रॉपर अंदर से इफेक्ट, तो एक इमेज है तो इससे काम चल जाएगा, नॉट बैड। सो अभी हम क्या करेंगे, अपने नीचे वाली इमेज को ले आएंगे और जो है इसके ऊपर हम टिंट इफेक्ट डालेंगे। मैंने आपको बताया था टिंट इफेक्ट क्या है, तो अब आप देख सकते हो टिंट इफेक्ट। अभी पहले ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट है तो मैं इसके ऊपर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जरा जो हमने मास्क किया था, हम यहाँ पर F प्रेस करेंगे इस सेलेक्ट लेयर को सेलेक्ट करके, तो फैदर निकल के आ जाता है, ठीक है, मास्क का। तो हम अगर इस मास्क का फैदर इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से हमें लगेगा, ठीक है। एंड मैं इसका थोड़ा टी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। नाउ अब अगर हम वापस जाके देखेंगे तो एक जो है एक रिफ्लेक्ट आ रहा है, लाइट का जो इफेक्ट आ रहा है वो अब बॉडी के ऊपर भी आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो एक कंपोजिटिंग हमारा बन गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से आधा काम कर लिया। अब बाकी हमारा जो बचा हुआ है वो है एनिमेशन पार्ट। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा एलिमेंट 3D है उन सब के हमने नल, जो एलिमेंट 3D वाला जो टेक्स है उन सब के हमने नल बना रखा था, जिसको हम नल से कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो हम उस नल से इन सब को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नल है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम इन नल को सबको एक 3D प्रॉपर्टी ऑन कर देंगे सबके, ठीक है। तो 3D से हमें क्या होता है, 3D से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, 3D से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम इनको अलग अलग टाइम, मतलब आगे पीछे वाला, मतलब 3D में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इनका X और Y और Z एक्सिस में हम इसको पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो हम यहाँ पर ये, तो आप देख सकते हैं जरा हमारा यहाँ पर फ्लिकर इफेक्ट है। तो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले हम करेंगे अपना जो हमारा से पीछे जो लाइट इफेक्ट है, हम उसको छोटा बड़ा करेंगे, मतलब वो जो छोटे से बड़ा होके आता है आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने ये देख लिया होगा स्टार्टिंग में जो बड़ा होके आता है, मैं सबसे पहले हम ये बनाएंगे। तो अभी क्या, हम दोनों की पोजीशन P से P4 पोजीशन होता है, तो उसमें P अगर प्रॉपर्टी निकल जाए, मतलब P प्रेस करोगे तो लेयर की प्रॉपर्टी, पोजीशन की प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम दोनों का जो वो है और ये 3D है, तो अभी हमें यहाँ पर हमें ये ऑन करना होगा ताकि हम इसका ये देख सकें। तो जस्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको वाई एक्सिस में अंदर की साइड लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर आप चाहे तो यहाँ से वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो 2300 है ये वाला जो इंक्रीज है, ये साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जिससे हमें हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब वो टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो अभी हमारा उल्टा हो गया, हम की फ्रेम को रिवर्स कर लेते हैं। तो जरा हम क्या होता है, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, कंप्यूटर का मतलब कम कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इसको 1/3 पे कर सकते हो रेजुलेशन, ताकि आपका कंप्यूटर थोड़ा लाइट वर्क करेगा। तो जस्ट हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं ताकि एंट्री में थोड़ा सा डिले हो, ठीक है। तो
यहाँ पर हम थोड़ा सा एंट्री मटेरियल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और प्ले करके देखना होगा हम कि किस तरीके से चीज़ें बेटर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम पर, मतलब हम कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारी इमेज थी सर की, उसमें हम एक पॉपअप इफेक्ट डालेंगे कि एकदम से जब वो एंट्री हो तब वो ऊपर को निकले। तो यहाँ पर हम एस के साथ प्ले, मतलब स्केल के साथ प्ले करेंगे। तो हम स्केल की एक प्रॉपर्टी देंगे, फिर कुछ फ्रेम आगे चल के हम एक और प्रॉपर्टी देंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट की फ्रेम जनरेट किया था इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, और अगले फ्रेम पर 100 हो जाती है। फिर हम जो अगला की फ्रेम है उसको हम 140 है पहले से यहाँ पर, तो हम इसको कर देंगे 130, और अगले की फ्रेम पे कर देंगे हम 140 प्रो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं कुछ भूल गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम पे हम करेंगे 140, और हम 140 करेंगे, 145 करूँगा मैं, और फिर अगले की फ्रेम पे हम करेंगे एक्चुअल जितनी हमें वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, 140। तो आप देखोगे अब एक पॉपअप इफेक्ट बना। कूल, नॉट बैड, बट अभी कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा, तो हम इसको और कर सकते हैं 50। ठीक है, अभी ठीक है, नॉट बैड। तो हम इसको इजी ईज कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएगा एंड इजी ईज कर लेंगे, जिससे ये चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जस्ट हम राजू मेहता सर की फ़ोटो और सबको थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ताकि फ़ोटो पहले आए और जो सर्किल है वो बाद में आए। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो उन चीज़ों में, तो वो सब है थोड़ा सा मैटर, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो बहुत लेट आ रहा, हम इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं। एंड नाउ, अब इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि एनिमेशन इस, इसके बाद अभी हमारा आता कि हमने टेक्स्ट को कैसे एंट्री दिया, तो वही हम इसको एक्सिस में हम टेक्स्ट को हमने प्ले किया, तो 10 बजे वाला नल एंड देन वाला आइडिया नल, मतलब दो अलग अलग लेयर जिसमें दोनों अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिसमें 10 बजे लिखा हुआ है और वाला आइडिया अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों के नल को सिलेक्ट करेंगे, हम दोनों की प्रॉपर्टी खोल लेंगे पोजिशन की, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पोजीशन पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम जनरेट करेंगे, अगले की फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर एक जनरेट करेंगे, और यहाँ पर हम वापस फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाएंगे, और दोनों को हम एक्चुअली हमने गलत की फ्रेम सेलेक्ट, गलत लेयर वो सेलेक्ट कर ली, वो बेस वाली है। ठीक है, सॉरी, वो हमारा है ऊपर वाला ही, 10 बजे। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में गलती तो हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी हम सबसे पहले ये, तो हमारा ये 10 बजे वाला था, एंड देन इसके अंदर हम एक की फ्रेम जनरेट करेंगे, फिर हम एक और की फ्रेम हमें जनरेट करना था, तो जो फर्स्ट वाला की फ्रेम था हम इसमें प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी वही हमारा जो था हम इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब ऐसे ड्रैग करेंगे अपनी साइड को, तो जिसका ब्लू वाला था डायरेक्शन वो हम इंक्रीज़ करेंगे। आप चाहे तो इसको वैल्यू भी इंक्रीज़ करके आप कर सकते हो ऐसे, बट मैं ज़्यादातर बट जैसे ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, एंड देन इसके बाद जस्ट मैं एक में थोड़ा डिले कर देता हूँ नीचे वाले में, क्योंकि देखते क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो डिले कर देना। कूल, नॉट बैड। तो आप इस तरीके से हम इन चीज़ों को डिले करके, मतलब एक अच्छे तरीके से एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, इजी ईज कर लेते हैं, एंड की इसी ईज करने के बाद हम जाएंगे असिस्टेंट यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम ग्राफ में आ जाएंगे, ग्राफ के बाद हम वैल्यू, यहाँ पर हम इसकी
डिक्रीज करेगा। डैट मीन्स इस ग्राफ का मतलब होता है कि यहाँ से जो आप बहुत इजी है समझना, मतलब एक माउंटेन की तरह समझ सकते हो, मतलब कि यहाँ से जो है जीरो पे वैल्यू है, धीरे 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 स्पीड अप हुई अप हुई अप हुई, यहाँ पे एकदम फास्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्पीड स्लो होती गई 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 एकदम स्लो हो गई। तो मतलब यहाँ पे एंट्री एकदम फास्ट होएगी 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 एकदम फास्ट होकर फिर एकदम स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि ये इफेक्ट किस तरीके से बना होगा एकदम इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। कूल, नॉट बैड। तो आई होप आपको ये भी समझ आएगा ग्राफ किस तरीके से समझते हैं, मतलब ग्राफ को कि कम वैल्यू एंड देन फिर स्पीड अप एंड स्पीड डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। इसके बाद हमारे पास जो होता है एवरी वीक वाला एक टैग था जिसको पहले से प्रीकॉम्प किया हुआ है। प्रीकॉम्प होता है कंटेनर, लाइक कंटेनर ही, मतलब कि जिसके अंदर आपने सब चीज़ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ठीक है, अभी हमारा की फ्रेम वाला था, तो की जो हमारा एवरी वीक वाला टैग था वो हम इसका की फ्रेम है। यहाँ पे की फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर एक क्या बोलते हैं यार टूल होता है, और टूल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हम इस की फ्रेम को कहीं भी रख सकते हैं। एंड की फ्रेम आपको पता ही होगा जहाँ पर, और सॉरी की फ्रेम बोल रहा हूँ बहुत देर से, सॉरी एंकर पॉइंट। और ये एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए हमारे पास एक एंकर टूल होता है, आई थिंक आपको ये पता है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम इस एंकर पॉइंट को कहीं पे भी रख सकते हैं, और बाकी आप जानते हो एंकर पॉइंट जहाँ होता है उसका सेंटर एक्सिस पॉइंट वही बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रखें बिकॉज यहाँ पर मुझे इसको फील कराना कि जो बेस है उससे ये कनेक्ट है, एंड देन उसके सहारे ये बाद में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको, हम इसका एस कर, इस जो हमारा जो टैग था हम इसको एस, हम इसके साथ एस के साथ मतलब इसका स्केल छोटा और बड़ा करूँगा, और मैं इसको रोटेट भी करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर्टी में जाता हूँ, प्रॉपर्टी में एस और इस रोटेशन स्केल में दोनों पे की फ्रेम जनरेट कर लेता हूँ, देन मैं क्या करूँगा एक और की फ्रेम जनरेट कर लूँगा कुछ फ्रेम आगे जा करके जितना रिक्वायरमेंट है टाइमिंग का, फिर मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। एंड देन मैं इसको छोटा कर लूँगा, मतलब जीरो ही कर लेता हूँ इसको, तो फील होगा कि ये ऊपर से नीचे की साइड आएगा, ठीक है। तो की फ्रेम बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो हमें इनका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ करना होगा ताकि एकदम फील ऐसा ना हो कि एकदम आ रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, और तो जस्ट इसको भी हमें ईजी इस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी आपको समझ आएगा ऑलमोस्ट कि हमने किस तरीके से कंपोजिटिंग किया एंड देन एनिमेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा बेस था वो बेस नीचे से आता है, ठीक है। तो बेस को नीचे से निकालने के लिए हमने जो नल आपको मैंने सिखाई दिया था आपको याद है, एंड यहाँ से आप जाके नल को, बेस का जो नल था हम वो पकड़ेंगे, एंड जस्ट हम इसका यहाँ से पोजिशन ले गए पी, एंड इस पोजीशन को हम इसका जो एंकर पॉइंट है वो पकड़ के हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर पहले एक की फ्रेम जनरेट कर लेते कुछ फ्रेम आगे, एंड देन वापस हम जीरो टाइमिंग पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम इसको, यहाँ से इसको हम पकड़ के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो होने की वजह से कुछ ऐसा, तो अभी देख अभी फील कर पा रहे हो कि बेस नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये वाला एनिमेशन किया, फिर हमने ये टैग वाला एनिमेशन, अभी भी बहुत फास्ट जा रहा है। तो एनिमेशन अपनी म्यूजिक की बीट के अकॉर्डिंगली बिठा सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। Finally, and रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आपका फ्रेंड कोई भी हो उसके साथ शेयर कीजिए, अगर वो ये सब लर्न करना चाहता हो तो प्लीज़ इसके साथ शेयर कर दीजिए, कहीं पर भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद योर फ्रेंड। तो यू कैन सो प्लीज़ and hit the subscribe button if you like this video and the like and subscribe.